हेलो, वेलकम टू द चैनल आई क्यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि टाइटल देखकर आपको पता चल रहा होगा, क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ये वीडियो बनने जा रहा है। ये जो वीडियो है क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नंबर 2 है। तो वीडियो पहले पार्ट को भी जो है मैंने अच्छे से बनाया है, तो उसको भी जो वॉच करें। अब मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये जो चैनल है आई क्यू द होप, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अब वीडियो को शुरू करें। कारपेट्स, अगर हम सुल्तान कारपेट्स की बात करेंगे तो तीसरा जो क्राफ्ट्स के अंदर जो तीसरी कैटेगरी है वो कारपेट्स है। सो कश्मीरी सुल्तान जैनुल आबदीन जो थे, इनके द्वारा जो है कारपेट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर वैली के अंदर। अब कारपेट्स की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप्स के कारपेट्स होते हैं, एक तो खबदान पायल कारपेट्स हैं, दूसरे नॉटेड कारपेट्स हैं। खबदान पायल कारपेट जो है वो लद्दाख के जो के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं, और नॉटेड कारपेट जो है वो कश्मीर वैली के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं। अब नॉटेड कारपेट्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉटेड कारपेट्स वो कारपेट्स होते हैं जो कि हाथ से बनाए जाते हैं। इनको जो है कल लोकल लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर जो है कल वाफी कहा जाता है, या कश्मीरी रग भी कहा जाता है। इसलिए रग से कारपेट्स का मतलब होता है सुपीरियर इन द वर्ल्ड ऑफ हैंड नॉटेड रग्स। अब आप सोच रहे होंगे तो खबदान पायल कारपेट्स को हमने डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि अब ये जो है लद्दाख के अंदर आते हैं, तो लद्दाख का आपको पता है कि वो जो है एक नई यूटी बनी है, तो इसको इसलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन इतना याद रखें कि खबदान पायल कारपेट जो है लद्दाख के अंदर बनाए जाते हैं, और नॉटेड कारपेट जो है वो कश्मीर वैली के अंदर बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ये हैंड वोवन कारपेट्स हैं जिनको कश्मीरी रग्स कहा जाता है। ये जो है कारपेट आपको दिख रहा होगा, तो हैंड नॉटेड कारपेट है। ये जो रग्स हैं ये बनाए जाते हैं प्योर वूल जो होता है, प्योर वूल सिल्क जो होता है उससे जो है इन रग्स को बनाया जाता है। और ये जो वूल होता है ये तो वूल एंड सिल्क बीड्स जो होते हैं, मतलब कि धागा और रेशम जो होते हैं, इनको मिला के जो है ये रग्स बनाए जाते हैं। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है कश्मीर वैली के अंदर, विच है प्राइमरी फ्लोरल एंड ओरिएंटल स्टाइल। या तो फ्लावर्स बनाए जाते हैं या कोई भी स्टाइल बनाया जाता है ओरिएंटल स्टाइल के। कश्मीर और रूरल एरिया जो कश्मीर वैली के है उनके अंदर जो है मेन सोर्स जो है इनकम का ये कारपेट्स होते हैं कश्मीर वैली के अंदर। अब नई जो है वो रग्स की बात करेंगे, तो रग्स जो है ये चौथा जो क्राफ्ट्स की जो चौथी कैटेगरी है वो रग्स है। रग्स वो होते हैं जो फ्लोर को कवर करते हैं, थिक वोवन मटेरियल से बने होते हैं या एनिमल स्किन के बने होते हैं ये रग्स। टिपिकली नॉट एक्सटेंडेड ओवर द एंटायर फ्लोर, ये पूरे फ्लोर के ऊपर जो बिछाए नहीं जाते बल्कि कुछ हिस्से पे जो ये बिछाए जाए। अब रग्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रग्स जो है कश्मीर वैली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होते हैं। अब पहला तो गब्बा एम्ब्रॉयडरी रग्स। ये जो गब्बा जो होता है ये रिसाइकल्ड ओल्ड वुलन ब्लैंकेट जो होते हैं उनको जो है धोया जाता है, फिर मिल में डाला जाता है, फिर डाई किया जाता है, डिफरेंट एक अट्रैक्टिव कलर बनाया जाता है, और उनसे जो है ये गब्बा बनाया जाता है। अब गब्बा जो होते हैं जब इनके ऊपर एक कलरफुल कलर बनाया जाता है, उनके इनका एक अच्छा सा कलर आ जाता है, फिर इनको जो है आपस में स्टिच किया जाता है, और जहाँ पे ज़रूरत होती है तो वहाँ एक कपड़ा लगाया जाता है। तो उसके बाद जो है क्राफ्टमैन जो है इनके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी करता है विद स्टिचेस की वजह से, और एक रग जो है हमारे पास तैयार हो जाता है। अब ये जो रग्स चेन स्टिच रग्स भी होते हैं जिनको ओल्ड वूल से बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं, और इनके ऊपर जो चेन स्टिचिंग का काम जो है बड़े अच्छे से किया होता है। अब जो इंडस्ट्री, ये जो रग्स की इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं। गब्बा जो है अब दो टाइप के होते हैं, यरमा होता है और डल गुलदार होते हैं। अब ये जो रग्स होते हैं ये ज़्यादातर जो है वूल या सिल्क यार्न के बने होते हैं, और बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा जो है काटन यार्न का भी जो है हमें इनके अंदर मिलता है। अब जो कश्मीरी फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं, इन एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे से जो इनका काम किया होता है, कश्मीरी फ्लोरल पैटर्न्स जो है इनके ऊपर बनाए होते हैं। अब नई जो है वो नमदा फेल्टेड रग्स है। अब नमदा जो होते हैं दीज आर फ्लोरल कवर्स विच आर वेरी फेमस इन कश्मीर में, ये भी जो है नीचे बिछाए जाते हैं, और ये जो है वूल और काटन फाइबर्स के बने होते हैं। अब ये जो इन्फीरियर वूल होता है इनको जो है बीट किया जाता है, और फिर जो है ये रग्स बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर जो है ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाए जाते हैं एम्ब्रॉयडरी के द्वारा। अब ये जो लेस एक्सपेंसिव होते हैं दूसरे वाले से, ये जो हमने पढ़ा गब्बा एम्ब्रॉयडरी रग्स, इनसे थोड़ा सा ये बिल्कुल सस्ते होते हैं। ये भी मैंने बता दिया तो आपको, ये जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और स्मॉल इन साइज़ भी होते हैं, और इनकी डिमांड में जो है मिडल ईस्ट की जो फैमिलीज होती हैं वो इन चीज़ों की डिमांड करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर जो है फ्लोर के ऊपर जो है इनको बिछाया जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा होगा ये गब्बा है, वो कमल जैसा होता है, और उनके ऊपर जो है ये डिज़ाइन बने होते हैं उनको जो है गब्बा कहा जाता है। ये जो है पुराना जो वोर शोल होता है तो उनसे जो है बनाया जाता है। अब कश्मीर के अंदर जो
बहुत सारी वैरायटीज़ हैं नमदाज़ की और उनके जो एम्पोरियम जो है हमें मिलते हैं। अब ये जो इंडस्ट्री है इन गब्बाज़ की, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा होती इनकी ये जो इंडस्ट्री है। अब ये मैंने बता दिया आपको। अब पेपर मैची होते, अगर हम पेपर मैची की बात करेंगे तो ये एक फेमस क्राफ्ट है कश्मीर वैली का, जिसको सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था, और इन्होंने जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जो है इस क्राफ्ट को जो है कश्मीर वैली के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया था। अब पेपर मैची की बात अगर हम करेंगे तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो पेपर पल्प लिया जाता, फिर इसके अंदर कुछ सोल्यूशन डाला जाता है और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, और फिर जो है इसको सुखाया ये जो प्रोडक्ट पेपर मैची जो है इसके बनाने का राज यही है कि सबसे पहले तो पेपर को सोकिंग की जाती है, और फिर जो है इसको तब तक रखा जाता है जब तक ना वाटर अंटिल इज डिसइंटीग्रेट, जब तक ना पानी इससे बाहर बिल्कुल पूरा निकल जाए। जब एडिसिव सॉल्यूशन जो इनके ऊपर जो है डाले जाते हैं तो उसको भी जो है मिक्स किया जाता है, और फिर जो है इसको एक पार्टिकुलर शेप के अंदर जो है मोल्ड किया जाता है, और फिर जो है इसको सुखाया जाता है। जब कोई भी पार्टिकुलर शेप देने के बाद इसको सुखा दिया जाता है, फिर इसके पेंट दो तीन कैटेगरीज के पेंट किए जाते हैं, और फिर जो है एक शाइनी लुक हमें देखने को मिलता है। अब ये जो पेपर मैची है ये काफ़ी लंबा और बिल्कुल थका देने वाला काम होता है, और जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पेपर मैची के बने होते हैं जिसके अंदर पिक्चर फ्रेम्स है, कैंडल स्टिक्स हैं, राइटिंग सेट्स हैंकरचीफ है, वैसेज है, रिंग बॉक्स, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम पेपर मैची से जो है बनाते हैं। अब टू मेक ए प्रोडक्ट मोर ड्यूरेबल एंड यूजफुल, अगर हमें ज़्यादा टिकाऊ और यूजफुल प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस वक्त जो क्राफ्ट्समैन जो ब्रास और मेटल लाइनिंग वर्क जो है इस पेपर मैची का क्राफ्ट के ऊपर जो है करता है। ये जो प्रोडक्ट मेनली श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इनका काम किया जाता है। इसी के साथ जो है ये दूसरा पार्ट भी जो है खत्म होता है क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड गॉड ब्लेस यू।